नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। महागठबंधन का हिस्सा बनने से क्यों मना किया है आपने? जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा बनने से आखिरकार क्यों इनकार किया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले आप नेता अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कहा था कि हमारा गठबंधन आम जनता और विकास के साथ है, और साथ ही महागठबंधन के सवाल पर कहा कि जो पार्टियां महागठबंधन में शामिल हो रही हैं, उनकी देश के विकास में कोई भूमिका ही नहीं है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने दावा किया है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव और फिर अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने बिना मांगे कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मानजनक बात नहीं की। सूत्रों की माने तो महागठबंधन से दूरी की बात करने के पीछे आम आदमी पार्टी नेताओं का मकसद कांग्रेस से दूरी दिखाना है। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ दिखने का माहौल बनना पार्टी के पक्ष में नहीं है, साथ ही पार्टी के कोर कैडर को ये पसंद नहीं आ रहा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पर लगातार अटैक इसी माहौल को काउंटर करने की कोशिश है, ताकि पार्टी अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचा सके कि कांग्रेस के साथ हाथ वो नहीं मिलाने जा रहे हैं। तो आखिरकार महागठबंधन का हिस्सा न बने से क्या कुछ फायदा होगा, आपको ये आने वाला चुनाव जरूर बताएगा। डेली डायरी की रिपोर्ट।